दोस्तों इस साल मार्च महीने में सैमसंग की सीईओ डीजे को ने बताया था कि वो सैमसंग गैलेक्सी नोट 21 को इस साल स्किप करने वाले हैं, यानी इस साल हमें नोट का कोई भी स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलने वाला है। इसका कारण ये था कि ग्लोबल चिप की शॉर्टेज की वजह से इसके यानी जो लॉन्च था इसको अब यानी कैंसिल कर दिया गया। इस साल आपको कोई नोट का फोन देखने को नहीं मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग का एक और फोन जो कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE होने वाला था, वो भी इसी साल यानी कि अभी जो अगस्त 11 आ रही है वहाँ पर Z Fold 3 स्मार्टफोन के साथ में लॉन्च होने वाला था, लेकिन यहाँ पर गैलेक्सी S21 FE को भी ले कर दिया गया है। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के तहत यहाँ पर जो उसको खबर आ रही है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमें ये सैमसंग गैलेक्सी S21 का प्रोडक्शन ट्रैक पर आ चुका है और इसका ज़्यादा डिले नहीं होगा। अक्टूबर के महीने तक मेरे ख्याल से आपको ये स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ दिखने को मिलने वाला है। और तो साथ ही में सैमसंग मोबाइल के हेड TM रो ने उनकी तरफ से कुछ डिटेल सामने यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमें Z Fold 3 की उन्होंने कुछ डिटेल वगैरह दिए, यहाँ पर उन्हें पता चली है। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि जो गैलेक्सी S20 का वो हमें इस साल देखने को नहीं मिलने वाला है, जो कि यानी डीजे को ने पहले ही बोल दिया, लेकिन इनकी तरफ से जो खबर आई है वहाँ पर इन्होंने तो और कन्फर्म कर दिया यहाँ पर हमें नोट का कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है, जो कि बहुत सारे जो नोट के फैन उनको दिक्कत है, बहुत सारा दुख हुआ है। लेकिन यहाँ पर खबर दोस्तों ये आ रही है कि अगले साल में सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज का नोट 22 देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी कमाल का फोन होने वाला है। जहाँ तक खबर सामने आई है वहाँ पर हमें काफ़ी कमाल के फीचर्स वगैरह आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही मतलब सैमसंग मोबाइल के हेड TM रो ने ये भी बताया कि गैलेक्सी Z फैमिली होने वाली जो अभी लॉन्च होने वाली है वहाँ पर हमें S पेन भी आती हुई देखने को मिलने वाली है, यानी S पेन भी इस फैमिली में हमें जुड़ती हुई देखने को मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर खबर ये आई है कि यहाँ पर जो सैमसंग गैलेक्सी Z सीरीज के जो फोल्डेबल फोन आने वाले हैं वहाँ पर हमें S पेन के लिए कोई भी जगह देखने को नहीं मिली, जैसे कि नोट सीरीज में आपको जो S वो नीचे की तरफ से आप ऊपर डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें Z फोल्ड में यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा स्पेस वगैरह देखने को नहीं मिलाएगा। तो खबर तो यार कि जो हमें S पेन का जो जगह रहेगी ना वो स्पेशल केस आएगा फोन का, उसमें हमें साइड में उसकी जगह देखने को मिलेगा जहाँ पर हम S पेन को बड़ी ही आराम से रख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हमें उसको रखने के लिए जगह तो देना ही चाहिए, जो कि स्पेशल केस वगैरह सामने है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें इसी स्मार्टफोन में हमें IPX8 की वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग भी देखने को मिलने वाली है, जो कि आपके स्मार्टफोन को पानी से काफ़ी ज़्यादा बचाने वाला हैगा। साथ ही दोस्तों इवन प्लस जो काफ़ी अच्छी लिस्ट रहेगी उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 होने वाला है वहाँ पर हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलने वाला है कन्फर्म है। और साथ ही यहाँ पर हमें केवल 4 मेगापिक्सल का कैमरा ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों मेरे तरफ से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप ज़्यादा गुड क्वालिटी की इमेज को एक्सपेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि अंडर डिस्प्ले तो होने वाला है, साथ ही में 4 मेगापिक्सल के तो ज़्यादा कोई आप डिटेल यहाँ पर आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। वैसे दोस्तों इसका लॉन्च बिल्कुल पास में ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। और आपको ये स्मार्टफोन का इंतजार है आपके थोड़े दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों यारों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़। तो चलिए दोस्तों आज फिर नहीं आप बोलते रहिए मेरे साथ, जय श्री राम।